नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले की भैयर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली अति नक्सल संवेदनशील ग्राम पंचायत कंदई के ग्रामवासी ग्राम कंदई से हड्डा टोला लोचना कट्टे मिट्टी युवक युक्त सड़क से काफी परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि इस 5 किलोमीटर पक्की सड़क निर्माण की मांग वे वर्षों से स्थानीय विधायक संजय उइके और प्रशासन से लगातार कर रहे हैं, किंतु उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भैयर विधायक संजय उइके ने इस चुनाव में भी ग्राम कंदई के ग्रामवासियों से इस 5 किलोमीटर सड़क निर्माण को जल्द पूरा कराने का वादा किया था, लेकिन वे चुनाव जीतने के बाद से आज तक यहां नजर नहीं आए। बरसात के समय में इस मार्ग में स्कूली और आंगनबाड़ी के बच्चों सहित ग्रामीणों को आवागमन करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क दलदल रूपी बन जाती है, जिससे छात्र छात्राएं आंगनबाड़ी के बच्चे आने जाने में गिरते पड़ते रहते हैं। वहीं ग्रामीणों के वाहन और साइकिल भी दुर्घटना का शिकार होती है। हालांकि सड़क निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा वर्षों से लगातार की जा रही है, लेकिन उनकी सुनने वाले बहरे बनकर बैठे हुए हैं। वहीं इस क्षेत्र में कमीशनबाजी के चलते लाखों करोड़ों के पुलिये स्वीकृत कराकर भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, लेकिन इस सड़क निर्माण में कमीशन और ठेकेदारी तय नहीं होने के कारण इसे अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। ये रोड 5 साल से है। आपका नाम? मेरा नाम सुमेश सिंह मेरावी। कहाँ के निवासी? कंदई के रहने वाला हूँ, बस ये बाजू मेरा घर है। जनपद पंचायत भैया। विधायक कौन है यहाँ पे? अभी तो संजय विके उसे भी कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, साल भर पहले संजय विके को भी बता चुका हूँ ये बात। आपकी समस्या क्या है? मेरे समस्या ये है कि धूल मिट्टी खाते हुए 5 साल हो गई ये बनने के बाद। ये रोड कहाँ से कहाँ जाती है? ये कंदई से लौटना। उसके बाद कितने किलोमीटर की होगी? 6-7 किलोमीटर है। 6-7 किलोमीटर। कितने वर्ष हो गए रोड नहीं बने? 5 साल हो गए भैया। तो ऑलरेडी क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? धूल और मिट्टी, धूल है मिट्टी, बारिश में इतना कीचड़ होता है कि बता नहीं सकते हम। आप व्हाइट वाली कार लेके आओ, पता चलेंगे उसमें। बताइए आपका परिचय बताएंगे। सर मेरा नाम अशोक ध्रुवे है, मैं ग्राम कंदई के निवासी हूँ। जो यहाँ स्कूल जाते हैं बच्चे और आंगनबाड़ी में जो बच्चे जाते हैं, बरसात के टाइम में बहुत कीचड़ होता है, कई बच्चे गिर भी जाते हैं यहाँ पे। ये रोड बनना चाहिए, ये रोड बना नहीं है, 5 साल हो गया सर।